घिर घिर साहिबा प्यार में धोखा नहीं। Hi guys, how you doing man? Having fun man? No fun? Oh man, come to Goa man. Lots of fun over there man. Beaches, shacks, good food man. What are you doing? Come to our Goa no? नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, आज हमारा ये लिबास, हमारा ये पोशाक देखकर आपको क्या लगता है, हम गोवा में हैं? जी नहीं, आज हम गोवा जाने के मूड में थे, इसलिए मुंबई में ही गोवा जैसे कपड़े पहनकर रेडी हो गए और आपके लिए बनाएंगे एक बढ़िया सी गोवन रेसिपी। गोवा ऐसी जगह है दोस्तों, आप सब मेरे साथ यकीन करेंगे, वहां जाओ ना तो आदमी अपने सारे दुख सारी परेशानियां भूल जाता है। वहां की हवा में ही कुछ है, बस सब छुट्टी वाले मूड में आ जाते हैं एकदम वहां पहुंचते ही। और अगर कोई हमारे घर से या हमारे ऑफिस से फोन आता है ना तो हम सॉरी रॉन्ग नंबर फोन भी नहीं लेते, क्योंकि वहां का माहौल इतना अच्छा है, वहां के जो बीचेस हैं, वहां के शैक्स, वहां के लोग, वहां की सड़कें, हरियाली, पेड़, क्या क्या बताएं। और वहां का खाना, ओहो, जो वो मच्छी कड़ी चावल साथ में विंडालू सौरपोतल और अलग अलग किस्म के जो डिशेस मिलते हैं ना, बस मजा ही दे देते हैं। तो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं गोवन चिकन विंडालू, जिसमें पड़ेगा नहीं आलू लेकिन देगा बहुत ही मजा। तो सबसे पहले हम देखेंगे विंडालू के इंग्रेडिएंट्स। चलिए, अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, ये सब जरा उतार लें वरना दिखेगा नहीं। और नमक को मिर्ची बोल देंगे और मिर्ची को चीनी बोल देंगे और उल्टा सीधा कुछ बना देंगे। तो चलिए, अब हम तैयार हैं आपके लिए बनाने के लिए विंडालू, आइए हमारे साथ। तो खाओ दोस्तों चिकन विंडालू। बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? चिकन, फिर बनेगा विंडालू। साथ में हमें चाहिए ये चीनी, विनेगर जो गोवन डिशेस में खूब जाता है खटास के लिए, जीरा, क्यूमिन सीड्स, साथ में हमें चाहिए काली मिर्च, ब्लैक पेपर कॉर्न्स, सिनेमन और क्लोव्स यानी कि हमारी दालचीनी, और लौंग और स्वाद अनुसार नमक, लहसुन के 6-7 क्लोव्स, अदरक करीबन 1.5 इंच, बहुत छोटा सा आधा प्याज और खूब सारी कश्मीरी लाल मिर्च, ये करीबन 14-15 लाल मिर्च है। ये सब जाएगी हमारे चिकन विंडालू के अंदर। अब देखिए कितनी झटपट बनता है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आइए तो खाओ दोस्तों। आई हैव शोन यू ऑल द इंग्रेडिएंट्स मैन, सब कुछ तो दिखा दिया अभी आपको, लेकिन बनाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैन व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? माइन इज ऑब्वियसली मैन गोवा। आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इंडिया में कौन सी है ये आप बताइए, और उस जगह की आपकी फेवरेट डिश कौन सी है ये भी अपने कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि जब हम आपकी उस खूबसूरत हॉलीडे डेस्टिनेशन पर जाए ना तो वहां जाकर वो डिश जरूर ट्राई करें और आपके साथ शेयर करें मैन। चलो अब बहुत हो गई बातें, अब बनाते हैं चिकन विंडालू। आइए खाओ दोस्तों। यू वोंट बिलीव कि ये चिकन बनाना कितना आसान है। तो एक सिंपल सी हमें पेस्ट क्रिएट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हम पहले अपने ब्लेंडर में डाल देंगे हमारी ये सारी कश्मीरी लाल मिर्च, ऐसे ही बिना इसे भिगोए, बिना कुछ किए, नो झंझट। हमने रेसिपी पहले भी बनाई है, बड़ी टेस्टी बनती है, यकीन कीजिए। साथ में जाएगा इसमें ये लहसुन, ये अदरक, ये हमारा प्याज थोड़ा सा, ये जाएगी इसके अंदर दालचीनी और लौंग, काली मिर्च, जीरा, सब एक एक करके फटाफट, विनेगर, चीनी। चीनी वैसे कुछ लोग बाद में भी डालते हैं तेल में जब तेल गर्म हो जाता है, लेकिन हम अभी डाल देते हैं और आसान हो जाता है। और ये स्वाद अनुसार नमक। बस अब इन सब चीजों को थोड़ा सा पानी डालकर, ज्यादा नहीं, बस एक अच्छी सी मीडियम कंसिस्टेंसी की पेस्ट बनानी है। तो चलिए पेस्ट बनाकर लाते हैं। व्हाट मैन फन, नो इजी कुकिंग। तो खाओ दोस्तों, देखिए मस्ती मस्ती में कैसे बन रहा है विंडालू। मजा बहुत आ रहा है गोवा के बारे में सोच सोच कर ही। डाल दिए सब चीजें ब्लेंडर में और ब्लेंडर को दिया घुमा। अब इसमें जरूरत अनुसार डालेंगे हम H2O,
यानी कि वाटरमैन। सिंपल, ये गया इसमें पानी और फिर इसे एक बार घुमाते हैं। अब देखें, नाइस, बट थोड़ा सा और पानी मान दो। दैट्स इट। फ्रेंड्स, पिंडालू पेस्ट रेडी। यस, आइए आपको दिखाते हैं कैसे बन गई ना फटाफट। अरे बहुत चल रहा है, आ जा। खाओ दोस्तों, विंडालू पेस्ट रेडी। देखिए कितनी मस्त लाल लाल बनी है, कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से रंगत आई है खूब। बस अब इस पेस्ट का अगला कदम ये पेस्ट हमारे लिए करेगी क्या? इट विल गिव फन। नो दोस्तों, अब ये सारी की सारी पेस्ट जाएगी हमारे चिकन के अंदर। यस, आप बोल सकते हैं ना कि मैरिनेशन हो रहा है चिकन का। बस फिकर मत कीजिए, थोड़ा बहुत उछलेगा, इधर उधर गिरेगा, कोई बात नहीं, सफाई साथ में जारी रहेगी। अब इसके अंदर जो पेस्ट लगी रह गई ना, उसकी चिंता मत कीजिए, हम कुछ भी जाया नहीं होने देंगे। वो जाएगी जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे ना, इसी में पानी डालकर डाल देंगे अपने चिकन में। अब बस ये चम्मच को छोड़िए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए और इस चिकन को अच्छी तरह इस पेस्ट से मैरिनेट कर दीजिए। एक एक पीस के मसाला लग जाए अच्छे से तो मजा आएगा, है ना? सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मैरिनेशन, चिकन हो गया मैरिनेट। लेकिन हमें ना ज्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट काफी है। इनफैक्ट 10 मिनट इज इनफ, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे ना तो विनेगर है इसके अंदर, अगर आपको याद है, वो चिकन को बहुत टेंडरिश कर देगा और वो धागे धागे से निकलने लगेंगे, इसलिए बस 10 मिनट। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, चिकन को मैरिनेट होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को करते हैं ऑन। गैस चली, इसमें सबसे पड़ेगा पहले रिफाइंड ऑयल। वन, बड़ा धीरे धीरे आ रहा है भाई, आज क्या बात है। एंड टू, बस ये गया हमारा तेल। अब तेल होगा गरम और फिर बनेगा इसके अंदर चिकन नरम नरम। सो फ्रेंड्स, ऑयल इज हॉट एंड चिकन इज कोल्ड, सो डाल देते हैं इस चिकन को गर्मा गर्म तेल के अंदर विद द मैरिनेशन। अब ये करेगा बहुत सुरसुर। करने दो, थोड़ी देर में आराम कर लेगा। ये गया सारे के सारे मैरिनेशन के साथ इसके अंदर। देखिए कुछ नहीं पड़ा तेल में, पहले डायरेक्ट ये मैरिनेट किया हुआ चिकन हमने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि सारे जो मसाले हमको इस डिश के लिए चाहिए थे वो हमने पहले ही इस पेस्ट में पीस लिए हैं। अब इस चिकन को हम 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इस तेल में, क्योंकि सारी चीज़ें कच्ची थी, अदरक लहसुन प्याज, तो वो सब चीज़ें अच्छे से पक जाए, अदरक लहसुन की जो कच्ची रॉ स्मेल है वो गायब हो जाए। दोस्तों और मेरे गोवन खाने के शौकीनों, चिकन हो चुका है फ्राइड 3-4 मिनट तक। अब हम इसमें डाल देंगे ये पानी। ये ब्लेंडर को भी अच्छे से साफ करके डाल दिया और जिस बोल में मैरिनेट किया था ना चिकन को, उसके अंदर भी वो पानी डाल के अच्छे से सारा मसाला चला गया चिकन के अंदर, सारे जूसेस वगैरह उसी में थे। अब ये देखिए ये ग्रेवी। अब इस चिकन को ग्रेवी तो आप अपने हिसाब से डालिए, मीडियम चाहिए तो कम पानी, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पानी, अपना अपना स्टाइल है भाई। क्योंकि अभी ये चिकन पकेगा भी इसमें कम से कम 20-25 मिनट, तो ये पानी काफी सूखेगा, तो अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में और पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें थोड़ी मीडियम ग्रेवी पसंद आती है। तो दोस्तों चिकन को करने दीजिए अपना काम, इसे करते हैं ढक ढक ढकाढक ढक, और हम और आप कुछ बातें करते हैं। Hi friends, I'm back having fun watching this funny recipe. I'm sure you are, because this recipe is so delicious, you will enjoy it. Okay, dosto, I'm back. Okay? क्योंकि जो मेन काम था ना देखने दिखाने का, वो थोड़ा हो चुका है, तो बीच में जब बातें करेंगे थोड़ा टाइम भाई बन जाते हैं ना, तो
तो दोस्तों गोवा के ऊपर आप तो जानते हैं कि पोर्चुगीज कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है, वहां के डिशेस में पोर्चुगल की रेसिपीज स्पाइसेस वगैरह काफी हद तक यूज होती हैं। हम और लता जी गए थे गोवा, वहां पर हमने ना खूब सारे व्लॉग्स बनाए थे। सबसे बेस्ट जो हमें व्लॉग उसमें लगा था ना, वो था हम एक गांव में गए थे गोवा के इंटीरियर में। अरे बीचेस वगैरह पे तो सब जाते हैं, लेकिन गोवा के जो इंटीरियर है ना वो इतने खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। राया गांव था उसका नाम, राया विलेज, और वहां पर एक आंटी थी सूजी आंटी, उसने हमें जो ऑथेंटिक गोवन खाने का मजा दिया ना, मैं आपको क्या बताऊं। उन सारे ब्लॉग्स के ना मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। गांव की मजा मिलेगा, शहर का मजा मिलेगा, बीच शैक का मजा मिलेगा, वो बहुत हमने एंजॉय किया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन ब्लॉग्स को दोबारा रिवाइव करें, उन्हें देखें अगर आपने नहीं देखे हैं तो। सो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर दूंगा, एंड अगेन हैव लॉट्स ऑफ फन मैन। तो खाओ दोस्तों, चिकन को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं, अब जरा चिकन के भी हालचाल देख लें और हमारे विंडालू भाई साहब के हाल क्या है। नाम ही इतना स्वीट स्वीट है, मजा आ जाता है लेते हुए। आइए देखें, नाइस नाइस पक रहा है ग्रेवी में, लगेंगे 10-15 मिनट और, लगने दीजिए, जल्दी किसको है, गोवा में तो है, गोवा में तो आराम ही आराम है, बस लेटे रहिए बीच पर, अच्छी अच्छी चीजें खाइए, अच्छी अच्छी चीजें पीजिए, मजा कीजिए, टेक इट इजी, चिल। खाओ दोस्तों, विंडालू पक रहा है, अच्छी अच्छी खुशबू अभी से आ रही है, वो जो खट्टी खट्टी खुशबू विनेगर की, मीठी मीठी चीनी की और वो सारे मसालों की, आह मजा ही आ रहा है। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे बहुत बातें करता हूँ मैं, कोई बात नहीं, एक और बात सुन लीजिए। क्या है, हमने अपने ना ब्लॉग्स में एक नया सेगमेंट शुरू किया है जो हम एंड में दिखाते हैं, ब्लूपर्स, जो हम गलतियां करते हैं ना शूटिंग के दौरान, जो आपको पता नहीं चलती कि हम उन्हें एडिट कर देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि आपको ना पता चले कि हमने क्या क्या गलती की है इस ब्लॉग को बनाते हुए समय। लेकिन मजा आएगा, आप देखिए उन गलतियों को और एंजॉय कीजिए, हंसते हंसते जाएंगे, पक्की बात है। तो खाओ दोस्तों, हमारा चिकन विंडालू 15-20 मिनट से पक रहा है, मेरे ख्याल से ये हो गया होगा, अब गैस को कर देंगे हम बंद, और एज यूजुअल जैसे हम हमेशा हमारी नॉनवेज डिशेस को आराम करने देते हैं, इसको भी आराम करने देंगे। मे द चिकन चिल। सो फ्रेंड्स, चिकन विंडालू हो गया है रेडी, आराम भी कर लिया, खोलें इसे और देखें इसकी रंगत, क्या बात है। अभी इसे थोड़ा स्टर करके ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए, आहा, बिल्कुल परफेक्ट आई है जैसे हमें चाहिए थी। रेडी है आपके लिए गोवन चिकन विंडालू। सो फ्रेंड्स एंड माय डियर, खाओ दोस्तों, मस्ती करते करते, मजाक करते करते बन गया ना आसानी से चिकन विंडालू। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और हमारा ये नया अवतार भी पसंद आया होगा, आया कि नहीं। तो दोस्तों इस विंडालू को आप एंजॉय कीजिए राइस के साथ। अगर आपको आपके शहर में लादी पाव मिल जाए ना, पाव मिल जाए तो मजा आ जाएगा, अगर पाव नहीं मिलता तो आप इसे ब्रेड के साथ खाइए, व्हाइट के साथ खाइए, ब्राउन के साथ खाइए, और मजा लीजिए चिकन विंडालू का। चावल भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्टीम राइस के साथ चिकन विंडालू को अपने हाथों से ऐसे 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 करके खाइए, बहुत मजा आ जाएगा। तो एंड तक देखिएगा, हमारी गलतियां आने वाली हैं, बस अगले व्लॉग तक चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए और खाइए पीजिए ऐश कीजिए, धन्यवाद। एक्शन। साथ में ये कुछ सूखे मसाले जो है, जीरा, काली मिर्च, प्यारी प्यारी मीठी मीठी चीनी, मसाला नहीं है, मीठी है। साथ में हमें चाहिए, सॉरी विनेगर डालना तो भूल ही गया, कटोरी खाली। तो खाओ दोस्तों, चलिए अब 4-5 मिनट हो गए हैं, जरा हमारे चिकन भाई साहब, हमारे विंडालू, नाम कितना स्वीट है ना, उनके जरा हाल चाल तो देख लें, आइए। अरे बाबे, चश्मा कैसे देखेंगे, कट, यस। तो हमारे खाओ दोस्तों चिकन विंडालू बन, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं।